हेलो दोस्तों, तो बात करेंगे TNPL का जो मैच है चेपक वर्सेस VBK के बीच में। आप उसकी ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये मैच थोड़ा रिस्की हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें जो चेपक की टीम है वो बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से। तो आपको बता दूं कि चेपक की टीम बाहर हो चुकी है, तो आपको बता दूं ये कुछ भी चेंज कर सकती है। और बता दूं VBK के भी कुछ ऐसे ही हाल है, क्योंकि ये भी अगर ये मैच हार गई तो लगभग बाहर ही है। तो ये बाहर दोनों ही टीमें अपने स्क्वाड में कुछ भी चेंज कर सकती है। तो बहुत रिस्की मैच है, तो आप अगर इसमें खेल रहे तो बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको जो पता है कि अगर टूर्नामेंट से टीम बाहर हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कुछ कोई भी चेंज कर देता है, कोई भी टीम कुछ भी चेंज कर देती है। तो बात करेंगे चेपक वर्सेस VBK के बीच में क्या हो सकती है ड्रीम इलेवन टीम। मैं आपके लिए सेफ ड्रीम इलेवन टीम लाया हूँ, तो आप इसमें थोड़ा ग्रैंड लीग अगर खेल रहे हो तो खेलो ना, और स्मॉल लीग में भी थोड़ा कम चांस ले। तो आपको बता दूँ विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको बता दूँ कि ऐसे जो चार है वो चार ही ऑप्शन में आपको थोड़े थोड़े पॉइंट नज़र आ जाएंगे, आप देख सकते हो। पर आपको इस मैच में एक सेफ ऑप्शन देता हूँ, यस कार्तिक का। आप अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो तो यस कार्तिक को ले सकते हो, या आपको कंफर्म इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे, तो आप इनको ले सकते हो। फिर बता दूँ मैं आपको, पिछले मैच में जो खेले थे आरिफ खेले थे, और उनकी बैटिंग कितने नंबर पे आई थी, 11 नंबर पे। तो आप देख सकते हो इनको खिलाने का कुछ तो फ़ायदा है नहीं, तो इसीलिए यस कार्तिक को मैंने लिया हुआ है। तो बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में, तो मैं बैटिंग सेक्शन में आपको बता दूँ मैं जो लिया है गोपीनाथ को लिया है। पिछले मैच में 40 रन बनाए थे, अच्छे फॉर्म में, अच्छे टच में नज़र आए थे, पर हम अपनी जो टीम है उसको वो विन नहीं करवा पाए थे, तो इसलिए टीम बाहर हो गई इसमें TNPL में। तो पिछले मैच में बहुत फॉर्म में थे गोपीनाथ, तो आपको बता दूँ आप इनको ले सकते हो। फिर मैंने विशाल को नहीं लिया है और शशिदेव को नहीं लिया है। शशिदेव को, इन दोनों को मैंने अपनी टीम में नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है कि दोनों ही मिडिल नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आए, शशिदेव का कुछ कंफर्म नहीं है किधर भी खेलते, तो इसलिए मैंने इनको नहीं लिया है। और बता दूँ विशाल थोड़े रिस्की प्लेयर हो सकते हैं इस मैच में, तो मैंने इसीलिए इनको नहीं लिया है। शशिदेव आपको इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे, पर मैंने इनको अपनी टीम में नहीं रखा है। फिर गंगा श्रीधर राजू को रखा है, जो पिछले मैच में 20 रन मार चुके थे और बहुत अच्छे टच में भी नज़र आए थे, तो इसलिए मैंने इनको लिया हुआ है, और फॉर्म में भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो इसलिए मैंने इनको गंगा श्रीधर राजू को लिया हुआ है। फिर शिवा को मैंने नहीं लिया अपनी टीम में, श्रीधर को भी नहीं लिया है। फिर राहुल को आप ले सकते हो। फिर बाद पिछले मैच में रॉकिंस को हमने लिया, आप ले सकते हो, ये इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे। फिर बाद के लिंगा के बारे में, के लिंगा आपको जो है वो इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे, तो आप इनको अगर ले रहे हो तो ये बॉलर है, ये बॉलिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे आपको, क्योंकि ड्रीम इलेवन का कुछ अच्छा नहीं चल रहा है TNPL में। अगर बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं तो जो बैटिंग सेक्शन में दिए गए, और ये जो है वो बॉलर है। आपको मैं ऐसा एक और बॉलर बताऊंगा जो बैटिंग करता है, ओपनिंग भी करता है, तो आपको मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो देखते हैं ऑलराउंडर में कौन हो सकता है आपके लिए। तो बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए जो विजय शंकर को मैंने लिया नहीं है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ये जो है चेपक की टीम पूरी तरह से बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से, तो इनके खेलने का कुछ फ़ायदा है नहीं। चेपक की टीम में इनको अभी लेने का कुछ फ़ायदा होना ही नहीं, और ये भी इस मैच में खेलेंगे नहीं, कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है। अगर कंफर्म न्यूज़ आ जाती है तो मैं अलग से आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। फिर बता दूँ बाबा परजीत और संजय यादव, ये दोनों आपको इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे, तो इनको आप ले सकते हो। तो बात करेंगे नीचे के ऑप्शन की, तो हरीश कुमार आपको इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे, मैंने इनको लिया हुआ है। तो बात करेंगे नीचे के ऑप्शन की, तो आप मोकिन को ले सकते हो, पर मैंने इनसे अच्छे ऑप्शन जो है वो हरीश है को लिया हुआ है। आप अगर चाहो तो मोकिन को ले सकते हो ऐसे, तो मैंने हरीश कुमार को लिया हुआ है। फिर देखेंगे बॉलिंग सेक्शन में, तो हम बॉलिंग सेक्शन में बात करेंगे, मैंने लिया है मुर्गन अश्विन को, फिर लिया है श्रीनिवासन को, इन दोनों को मैंने लिया है। अलेक्जेंडर को मैंने लिया नहीं है। फिर बता दूँ बी अरुण की, बी अरुण जो है वो बैटिंग भी कर लेते हैं, तो आपको इसलिए मैंने लिया है। तो मैं बता दूँ आपको, अगर आपको किसी को लेना है तो मैं बता दूँ नीचे आपके लिए ऑप्शन जो है वो दिवाकर है, दिवाकर को आप ले सकते हैं, 100% इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे। फिर बता दूँ यस अरुण के बारे में, मैं बोल रहा था आपको कि जो ऐसे एक बैट्समैन है जो पिछले मैच में इन्होंने ओपनिंग की थी, और इनको जो है वो बॉलिंग सेक्शन में दिया गया है, बहुत ही जल्दी आपको बैटिंग सेक्शन में जाते हुए नज़र आ जाएंगे। तो मैंने एक और बैटिंग सेक्शन में भी एक था, उसको भी मैंने बता दिया जो बॉलिंग करता है, और ये जो है वो बैटिंग करते हैं, ओपनिंग बैटिंग करते हैं, फिर भी ड्रीम इलेवन ने इनको बॉलिंग सेक्शन में दिया हुआ है। TNPL का कुछ जैसा कुछ TNPL की गलती है या ड्रीम इलेवन की गलती, हम उसके बारे में बता नहीं सकते, पर अगर आपने यस अरुण पे फोकस किया होगा तो आपको पता होगा कि ये बैटिंग करने के लिए ये फर्स्ट नंबर पे आए हुए थे। तो आपको बता दूँ
आप इनको ले सकते हो, ये फर्स्ट नंबर पे इस मैच में भी बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं। आपने देख लिया होगा हमारे जो चार बॉलर है वो कौन कौन है, तो आप देख सकते हो दिवाकर को लिया है, मुर्गन अश्विन को, श्रीनिवासन को और ये सर उनको, तो हम हमारे ये चार बॉलर है। फिर बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के, कैप्टन हमारे लिए जो है मुर्गन अश्विन अच्छे हो सकते हैं। फिर अगर लेना चाहो तो लिंगा को ले सकते हो, फिर मैंने अपरिजीत को वाइस कैप्टन रख दिया है, संजय यादव को भी हम रख सकते हैं, इन दोनों के साथ जा सकते हैं। तो बात करेंगे फाइनल फ्री की, तो देख लेते हैं ये मेरी टीम है। आप अगर चाहो कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में तो आप गोपीनाथन को रख सकते हो, ये अच्छे टच में भी नज़र आ रहा है तो आप इनको रख सकते हो। दोस्तों तो मैं बात करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बाजू मेरे बेल का आइकन उसे भी दबा दो। तो दोस्तों थैंक यू।